नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र। हमारे साथ भाग्य चक्र में मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग से। आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 6 जून दिन वीरवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 9:55 तक रहेगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, रात्रि 8:29 तक। आज किसी प्रकार का गंडमूल दोष नहीं है, पंचक इत्यादि किसी प्रकार का दोष आज नहीं है। आज इन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर होगा को, हा या ही। आज वृद्धि योग है, रात्रि 11:22 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है और सूर्य भगवान वृक राशि में चल रहे हैं। आज का राहुकाल दोपहर 1:30 से लेकर 3:05 तक रहेगा। और आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में आज का दिशाशूल है। अति आवश्यकता में आप दक्षिण दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव कुल महाराज को नमस्कार करके यात्रा प्रारंभ करें। निश्चित रूप से आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज का शुभ समय, आज का जो शुभ चौघड़िया है वो रहेगा 10:00 से लेकर 12:00 तक। उसके बाद अमृत चौघड़िया 12:05 से लेकर 1:25 तक रहेगा। आज रवि योग चल रहा है, कल प्रातः तक रवि योग चलेगा। इसमें आप किसी प्रकार का सरकारी कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। उसका निश्चित रूप से प्रभु कृपा से अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। चलिए आज का पंचांग आचार्य जी ने बताया, राशिफल भी जान लेते हैं कि राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहेगा, आज की दिनचर्या कैसी रहने वाली है। आचार्य जी आज का राशिफल दर्शकों को बताएं। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज सफलता मिलने के पूरे आसार है। वृक राशि के लोगों के लिए आज व्यस्त रहेंगे। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी कंपनी से अच्छी उनको नौकरी की कॉल भी आ सकती है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। ऑफिस में कोई नया चैलेंज आपको मिल सकता है। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा तनाव भरा रहेगा। सड़क पर चलते हुए भी आपको आज सावधानी बरतनी होगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज अपना समय परिवार के साथ बिताएंगे। किसी भी अहम फैसले को जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आपका कोई बड़ा कार्य संतान की मदद से पूरा होगा। तुला राशि के लोगों के लिए आज का काम को लेकर काफी भागदौड़ रहेगी। कोई भी काम करने से पहले घर में बड़ों की राय आपके लिए बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आप जिस काम को करना चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। धनु राशि के लोगों के लिए आज सामाजिक कार्यों और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज खुशखबरी मिलने का समय है। मकर राशि के लोगों के लिए आज कहीं बाहर किसी समारोह में आप जा सकते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए बॉस की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी कोई राय आपकी तय होगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। माता पिता के साथ शॉपिंग करने का मन आपका हो सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पिछले कई दिनों से जो काम अटके हुए से आज पूर्ण हो जाएंगे। आज का राशिफल आचार्य जी ने बताया कि राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहने वाला है, कौन से कार्य आज आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं और किन कार्यों से बचना चाहिए वो भी आचार्य जी ने बताया। चलिए आचार्य जी आज आपसे जानना चाहेंगे रंगों को लेकर। आचार्य जी क्या संबंध है रंगों का ग्रहों के साथ, और रंगों से कैसे मतलब ग्रहों का मेल रहता है और उससे क्या कुछ प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है वो बताइए। बिल्कुल, देखिए
दुनिया में रंगों का बहुत ही महत्व है। रंगों के कारण ही ये दुनिया खूबसूरत नजर आती है। कुछ रंग जो है बहुत अच्छे होते हैं, हम मन खुश करते हैं, कुछ रंग तनाव देते हैं। तो प्रत्येक रंग प्रत्येक ग्रह से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार सूर्य लाल रंग है, चंद्रमा सफेद है, मंगल लाल है, उसी प्रकार बुध हरा है, बृहस्पति महाराज का पीला रंग है, शुक्र फिर सफेद, शनि महाराज कृष्ण वर्ण है यानी काले रंग का उनको रंग है, और राहु धूम्र वर्ण, और केतु कई प्रकार के रंगों के जोड़ को केतु कहते हैं। इस प्रकार से जितने भी संसार में रंग है प्रत्येक ग्रह से जुड़े हैं, और रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। किसी भी ग्रह को ठीक करना हो उस रंग को हम अपना सकते हैं, अगर किसी ग्रह को अपने से दूर करना हो तो उस रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार किसी के जन्म कुंडली में शनि खराब है और बुरा फल दे रहा है, शनि का बुरा फल क्या है, मेहनत ज़्यादा, इनकम कम, हर तरफ से परेशानियाँ, रिश्तेदारी में विरोध, आपसी तालमेल की कमी, ये शनि खराब की निशानी है। इसको ठीक करने के लिए अगर इंसान काले रंग से दूर रहेगा तो शनि बुरा प्रभाव नहीं करेगा, अगर वो इसके विपरीत काले रंग का प्रयोग करेगा तो इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अक्सर हम कहते हैं कि शनि खराब है तो काले माँ जल प्रवाह करें ताकि शनि का बुरा प्रभाव थोड़ा दूर हो जाए। चलिए आचार्य जी, रंगों को लेकर और भी आपसे बहुत सारी चीजें जानेंगे कि क्या कुछ रंगों का महत्व है। फिलहाल हमारे साथ शिमला से डिंपल जी जुड़ गए, हमसे बातचीत कर लेते हैं। डिंपल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पंडित जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहो। पंडित जी, मुझे मेरी एक सिस्टर है बड़े वाली, उनकी मैरिज हो गई है और उसका जॉब के लेके भी मुझे कोई सवाल था, आपसे पूछना था कि कब तक उसकी जॉब लगेगी। बिल्कुल बोलिए। और उसका एक बेबी है, छोटा बच्चा है, और वो भी बहुत बीमार रहता है, उसकी आंखों में भी बड़ी भारी प्रॉब्लम रहती है, मुझे उसके बारे में भी पूछना था आपसे। बिल्कुल, पहले दीदी का बताइए। हाँ जी, उनका बर्थ है 16 मई 1988। 16 मई 1988 सुबह 7:10 पर जन्म हुआ उनका। बिल्कुल, देखिए जब भी जन्म कुंडली में छठे भाव की दशा चलती है तब हमें आजीविका प्रारंभ होती है यानी भाग्य उदय होता है। जब तक भाग्य उदय का ग्रह ना आए तो भाग्य सोया रहता है, कोई भी प्रकार से आजीविका शुरू नहीं होती, इनकम शुरू नहीं होती, इससे इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। आपने अपनी बहन के बारे में पूछा आजीविका, तो इनका केतु तीसरे घर में है और बृहस्पति एकादश भाव में है। बृहस्पति एकादश भाव में होना अच्छी बात है, इनको आजीविका जरूर मिलेगी और इनकी आजीविका में पकड़ भी होगी। परंतु केतु जो तीसरे घर में है वो कन्फ्यूजन दे देता है, स्ट्रेस दे देता है, बिना मतलब की सोच देता है, जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर पाता। इसलिए इनको आप कहिए जहाँ भी सर्विस मिले, जैसी मिले शुरू में पकड़ लीजिए, धीरे 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 अच्छा हो जाएगा। और इनका जो सर्विस का योग है सितंबर से शुरू हो जाएगा। केसर का तिलक इनको जरूर कहिए लगाएं, उससे क्या है बृहस्पति और अच्छा हो जाएगा और केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। चलिए अगले दर्शक रेवाड़ी से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/12/1982 13 दिसंबर 1982 रात के 9:30 बजे। हाँ जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है शिमला। हाँ जी। पंडित जी मेरे जो एक शंका है, मुझे एक गाली, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे कहा था पंडित जी ने किसी ने कि अभी 6/8/12 में शत्रु ग्रह हो और खाना नंबर 2 खाली हो तो मंदिर ना जाए, यदि मंदिर जाए तो बाहर से नमस्कार करे। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ जी, क्या प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न, मैं ऐसे बहुत परेशान रहता हूँ। बिल्कुल, देखिए परेशानी के लिए सबसे जरूरी होता है भगवान की शरण में जाना, क्योंकि कलयुग है सबसे सच्चा जो दोस्त है वो प्रभु ही होते हैं इस समय, क्योंकि कलयुग में विरोध ज़्यादा है, ईर्ष्या द्वेष बहुत ज़्यादा है, तो भगवान ही सच्चे दोस्त हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए आपको।
और उपाय के तौर पर आपका चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, इसके कारण आप मोती पहन सकते हैं और गौओं की सेवा जरूर कीजिए, हरा चारा गाय को दीजिए। मंदिर जाना ना जाना अलग लाल किताब के फंडे हैं, परंतु आप मंदिर जा सकते हैं। दूसरा घर खाली है कोई बात नहीं, अच्छी बात है दूसरा घर खाली है, आप मंदिर कभी कभार जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हिमाचल प्रदेश से ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी, खुश रहो। नमस्कार जी, जय माता। नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ 14/3/1990। 14 मार्च 1990। टाइम है शाम के 7:55। साय 7:55 PM। घर ले सकूंगा कि नहीं चंडीगढ़ में? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। घर में घर खरीदना था चंडीगढ़ में, देखो कुछ है यो? बिल्कुल, देखिए घर तो जरूर बनेगा आपका, थोड़ा सा भी समय बाकी है, आप प्रयास कीजिए अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपका शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और जन्म का वहीं बैठा है, इसलिए अत्यधिक प्रयास करने के बाद आपका जरूर मकान बनेगा, चंडीगढ़ में बनेगा, परंतु थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और शनि महाराज का थोड़ा उपाय जरूर करिए। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वहाँ पे बैठ के शनि चालीसा का पाठ कीजिए और प्रार्थना कीजिए शनि महाराज से कि हे प्रभु मेरा मकान बना दो, क्योंकि शनि महाराज ही प्रॉपर्टी के कारक हैं। जो भी हम जमीन लेते हैं वो शनि महाराज की होती है, जो ऊपर मकान बनाते हैं वो मंगल का है, और जो उसमें सजावट करते हैं वो शुक्र की है। तो शुरुआत आप प्लाट से कीजिए, शनि महाराज को खुश कीजिए, उसके बाद फिर मंगल का उपाय कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले दर्शक अंडमान निकोबार से कोमल जी जुड़ गई हैं। कोमल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कोमल जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी नमस्कार मैम। नमस्कार गुरु जी, खुश रहो। नमस्कार जी, जी नमस्कार मैम। नमस्कार गुरु जी। कोमल जी अपनी टीवी की आवाज कम कर दें। बोलिए। चलिए लगता है कोमल जी का संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ उनके सवाल है क्या परेशानी है वो भी आचार्य जी से समाधान जान सकते हैं। आचार्य जी रंगों को लेकर बात कर रहे थे कि रंगों का क्या कुछ महत्व रहता है, हालांकि आपने उसके उपाय भी बताए हैं। आचार्य जी जो लकी कलर होते हैं उसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि उसका कितना प्रभाव रहता है। बिल्कुल, देखिए हर की जन्म कुंडली में लकी ग्रह अलग होता है और एक अनलकी ग्रह यानी भाग्यशाली ग्रह और भाग्य को छोड़ने वाला ग्रह। लकी कलर हमेशा ही जीवन में काम आता है, आप कोई वाहन खरीदते हैं तो आपका जो भी भाग्यशाली रंग है आप उसका प्रयोग कीजिए, आप मकान बनाते हैं भाग्यशाली रंग है उसका प्रयोग कीजिए, आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं, आप अपना जन्म कुंडली से लकी रंग नंबर निकालिए और रंग निकालिए, उन दोनों का प्रयोग कीजिए। जैसे ही आप भाग्यशाली रंग का प्रयोग करेंगे भाग्य आपका साथ देगा और जो काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में सिद्धि मिलेगी। ये जन्म कुंडली में कैसे निकालते हैं, जन्म कुंडली में जो आपका सबसे अच्छा ग्रह है, अगर मान लो सूर्य है तो लाल रंग लकी हो गया जी। इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। दर्शकों की समस्या का समाधान भी आचार्य जी लगातार बताते हैं। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको सीधे दर्शन करवाएंगे त्रिलोकपुर से माँ बालासुंदरी के।